एक तो जो बॉर्डर पे है उसको हमको डट के लड़ना पड़ेगा। आप भी चाइना के टक्कर में सामान बनाओ और हो सके तो चाइना के जैसा सस्ता दो, तत्काल उनको 10-10 लाख रुपया उनको उनके घर वालों को सहायता करें। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुए झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो चुके हैं। भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए हैं, जिसको लेकर देश भर में गुस्सा और चीनी प्रोडक्ट्स का भी लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं मुमरा में भी शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को मुमरा पुलिस स्टेशन के पास बाबा साहेब अम्बेडकर चौक पर श्रद्धांजलि दी गई। शिवसेना के मुस्लिम संघ थाने जिला अध्यक्ष अनवर कच्ची और उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। शहीदों को मोमबत्ती जलाकर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही प्रधानमंत्री राहत कोष से शहीदों के परिवार वालों को 10 लाख रुपए देने की भी मांग की है। ये बहुत दुखद हमारे लिए घटना है, कुछ 4-5 दिनों पहले ये घटना हुई है, तो उसके लिए हमने एक श्रद्धांजलि का एक प्रोग्राम रखा है मुमरा के अंदर, मुमरा पुलिस स्टेशन अंबेडकर चौक पे। और ये करीब करीब मेरे ख्याल से 1962 के बाद में ये सबसे बड़ा चाइना की तरफ से हमला था, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि हमारे 20 सैनिक इसके अंदर शहीद हुए हैं, और उसके लिए हम लोगों ने श्रद्धांजलि का प्रोग्राम रखा है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से चीन के सैनिकों ने जो हरकत की है, इस पे भारत सरकार का जो सख्त रवैया है वो कहीं ना कहीं नरम पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहेंगे? अभी तक इसके ऊपर कुछ मेरे हिसाब से एक्शन हुई नहीं है, और जो चाइना ने किया है उसका हमको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल की बात है और हम इतने बड़े वो नहीं है कि हम उसके ऊपर कोई बड़ी टिप्पणी दूँ मैं। मगर ये जो खून बहा है हमारे हिंदुस्तानी सैनिकों का, ये जो अमर हुए हैं इनकी श्रद्धांजलि वाया जानी नहीं चाहिए, और इसका मुंहतोड़ जवाब चाइना को देना चाहिए। जिस तरह से चाइनी प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है भारत में, जलाए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसे प्रोडक्ट का सिर्फ बहिष्कार करने से चाइना से जो है सामना हो जाएगा, या खुल के उनके साथ मुकाबला करना चाहिए? नहीं, देखो दोनों रणनीति हमको अपनानी पड़ेंगी। एक तो जो बॉर्डर पर है उसको हमको डट के लड़ना पड़ेगा, और जो उसकी आर्थिक नीति है जैसा हमारे पास मेरे ख्याल से 50% इंडिया के अंदर, भारत के अंदर चाइना का माल वापरते, हर एक मैं बोलता हूँ दूसरे नहीं पहले आदमी के पास चाइना का मोबाइल है। जो फैक्ट्री के मालिक है और व्यापारी है उनसे ये बोलूँगा कि आप भी चाइना के टक्कर में सामान बनाओ और हो सके तो चाइना के जैसा सस्ता दो, तो हमारा जो पैसा, हमारी जो करेंसी है जो चाइना जाती है वो अगर नहीं जाती है तो हम लोग और भी मजबूत हो गए, हमारा पैसा इंडिया में ही रहेगा, और चाइना दोनों तरफ से बॉर्डर के ऊपर से और आर्थिक नीति से भी वो कमज़ोर हो जाएगा। जो हमारे प्रधानमंत्री पीयर कर्ण फंड है, तो अभी कोरोना वायरस में भी पीयर कर्ण फंड में काफ़ी पैसा जमा हुआ था, तो मेरी प्रधानमंत्री से ये गुजारिश है कि जो शहीद हुए हैं उनके घर वालों को तत्काल, यानी देंगे करेंगे वो नहीं, तत्काल उनको 10-10 लाख रुपया उनको उनके घर वालों को सहायता करें, तो आने वाले टाइम में उनके बच्चों के लिए और उनकी फैमिली के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।